खुदा का नाम लेकर आप हमसे जुड़ने की कोशिश ना करें। आप हमारी कोई नहीं है, आपका हमसे कोई वास्ता नहीं। अब हम लोगों को मिलना भी नहीं चाहिए, बल्कि फोन पर भी बात नहीं करनी चाहिए। अचानक अबीर को देखकर मैं हैरान रह गया। अबीर रात को वहां गई थी? हर बात पर शक, हर बात पर शुबा। आप कैसी औरत है? आपको भूले से भी मुझ पर तरस नहीं आता? जिंदगी इंसान को जितना कुचलती है, जितना बुरा सलूक करती है, जितने जख्म देती है, इंसान उतना ही मजबूत बनता है। भाईजान, आदाब, बंदगी, तस्लीम। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या हैदराबाद रहो। अरे वाह भाईजान, हमने आपको इतना लंबा चौड़ा पूरे 2 किलोमीटर का आदाब और सलाम किया और आप सिर्फ दुआ पर टरका रहे। अरे भाई, तो हमने भी तो आपको इतनी लंबी दुआ दी है, बल्कि यूं समझिए कि मुंबई से हैदराबाद तक पहुंचा दिया। ये क्या काम है? जबानी जमा खर्ची से काम नहीं चलेगा। चलिए निकालिए कुछ रुपए और रखिए हमारी हथेली पर। अच्छा, तो इस बहाने हमारी बहन हमें मेहंदी दिखाने आई है। कैसी लगी? बहुत अच्छी। किसने लगाई? कौन लगा सकता है? मंतशा? आपा ने नहीं लगाई। तो फिर किसने लगाई? आसमान से एक परी उतरी थी, उसी ने लगाई। बड़ी सफाई है उस परी के हाथ में। कौन है, कहाँ रहती है, नाम क्या है उसका? गेस कीजिए, आप भी उसे जानते हैं। अब ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट मत करो, बताना है तो बताओ वरना। ठीक है, अबीर भाभी ने। अबीर भाभी ने? अना, उनसे तो तुम दूर रहो तो ही अच्छा है। क्यों, क्यों दूर रहे हम उनसे? वे हमारी भाभी जान है, हम उनसे मिलेंगे भी और उनसे बात भी करेंगे। कहीं भाभी जान की मोहब्बत में अम्मी की मार ना खानी पड़े तुम्हें? हम तो वही करेंगे जो हमारा दिल कहेगा। लगता है तुम्हारी शामत आ गई है। वैसे एक बात की दाद देनी पड़ेगी तुम्हें कि दूसरों के लिए तुम पिटने के लिए तैयार रहती हो। क्या वाकई वो कोई गैर है? मुझे क्या मालूम? मालूम सब है आपको, बस मानना नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं आना, मेरे दिल में भी वही बात आती है जो तुम महसूस कर रही हो। लेकिन जब मामूजान और अम्मी की बातें सुनता हूँ तो मेरा दिमाग कुछ और कहता है। भाईजान, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब दिल कुछ कहे और दिमाग कुछ कहे तो हमें दिल की बात माननी चाहिए, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। अरे ये क्या, इतने मोटे मोटे आंसू। नन्हे मियाँ, आपके साथ कोई नहीं खेलता ना, हम आपके साथ खेलेंगे। अरे आप तो बिल्कुल हमारे हारिस मियाँ जैसे दिखते हो। ये नन्हे नन्हे हाथ, अरे छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए 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 छोड़िए। अरे आपके पांव भी बिल्कुल हमारे हारिस में जैसे हैं।
आपने खेलना क्यों बंद किया? आप ही का खून है, अच्छा लग रहा था। जी मैं वो क्या बात है बेगम, आप हमें इतनी गौर से क्यों देख रही हैं? पहले कभी देखा नहीं क्या? देख तो पिछले 25 साल से रही हूं, मगर समझ आज तक नहीं पाई। इतने उलझे हुए भी नहीं? अगर समझ पाते तो हमारी ये हालत होती आज? क्या बात है, नाराज है? ऑफिस जाइए, देर हो रही है आपको। या अल्लाह, यहां हमारी जान हमसे रूठी हुई है और ऑफिस जाने की बात की जा रही है। बताइए ना बेगम, अगर हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है तो माफी चाहते हैं, लेकिन आप इस बात को अपने दिल से मत लगाइए। बताइए ना क्या बात है? हाथ हटाइए। आप तो वाकई हमसे नाराज हैं। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। जिसे हम एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे आप सराखों पर बिठाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बेगम, पहेलियां ना बुझाइए, साफ साफ बताइए क्या बात है। आप अबीर के कमरे में क्यों गए थे? ओह, तो आपकी नाराजगी की वजह यही है बेगम। ऐसा हरगिज नहीं जैसा आप सोच रही हैं। दरअसल हम अबीर के कमरे के बाहर से गुजर रहे थे तो नन्हे मियाँ को अकेले रोते हुए देखा, इसलिए उसे उठा लिया बस। आप राह पड़ते हुए किसी भी बच्चे को गोद में उठा लेंगे? कैसी बातें कर रही हो? वो हमारे घर का बच्चा है, हमारा अपना है। अगर वो हारिस मियाँ का बच्चा होता तो हम उसे अपने सीने से लगा लेते, मगर वो तो ना जाने किस गंदी नाली का कीड़ा है। बेगम, अपने मुंह से कुछ भी निकालने से पहले जरा सोच लिया करें। कमाल है, एक मासूम बच्चे के लिए आपके दिल में इतनी नफरत। लगता है आप पर भी शहरयार का रंग चढ़ गया है, मगर मैं भी आपकी बेगम हूं, आसानी से आपको उस चुड़ैल के झांसे में नहीं आने दूंगी। आपने चाहे अपनी आंखों पर अपनेपन का चश्मा चढ़ा लिया हो, मगर मैं फिर भी आपको खबरदार करती हूँ, होशियार रहिए उस लड़की से और दूर रखिए खुद को उस बच्चे से। बेगम, जानती हैं, जब हमने उसे अपनी गोद में उठाया तो हमें अपने हारिस मियाँ की याद आ गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है, उसके हाथ पांव बिल्कुल हमारे हारिस मियाँ जैसे ही हैं। आप देखेंगी ना तो आपका दिल भी पिघल जाएगा। आप उस बच्चे की भोली सूरत को मत देखिए, बल्कि उस लड़की की घिनौनी हरकत को देखिए और उसके मकसद को समझने की कोशिश कीजिए। अब बेगम, मुलायम मुलायम कुछ नहीं, मैं तो बस अपने घर और बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करके चुप रह जाती हूं, वरना मैं अब तक खामोश रहती। देखो निगर, यावर भाई जो है ना, वह से ज्यादा सीधे हैं। अब उन्हें समझाए कौन? समझा तो मैं खूब देती, पर यही सोचकर खामोश रह गई कि बेचारे जवान बच्चे के जाने के गम में पहले ही टूटे हुए हैं। अब मैं ज्यादा जोर दूंगी
तो कहीं और परेशान ना हो जाएं। अब खामोश बैठने से तो कोई फायदा नहीं है, समझे हम? और अगर आप उनको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहती हैं तो मत पहुंचाइए, लेकिन उस लड़की का कोई पुख्ता इंतजाम तो कीजिए ना। कर तो रही हूँ। ये कॉलर आईडी, ये छुपे हुए कैमरे, ये सब क्या है? ये क्या मैंने दिखाने के लिए लगाए हैं? उसी को पकड़ने का इंतजाम है सारा। अभी तो तुम कह रही थी कि कई दिनों से उसके कोई फोन नहीं आया, वो ज्यादातर बाहर नहीं गई है। अरे अगर शेर को फांसने के लिए बकरा बांध दिया जाए और वो शेर उस जाल में ना फंसे तो फायदा क्या ऐसे जाल से यार? बात तो आप ठीक कह रहे हैं, फिर क्या करना चाहिए? निगार, पैथरा बदलना होगा, पैथरा। देखो उसके लिए कोई ऐसा जाल बिछाया जाए जिससे वो फंस कर चीख उठे और वो वही काम कर बैठे जो हम चाहते हैं, बस। लेकिन करना क्या होगा ये तो बताइए। करना ये होगा कि उससे ये एहसास दिलाया जाए कि वो यहां आकर ट्रैप हो चुकी है, और क्या है? वैसे कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है, पर सवाल ये उठता है कि क्या वो इतनी आसानी से हमारे जाल में फंसेगी? कमाल है। अरे कोशिश करने में कोई हर्ज है क्या? कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है तकदीर इस वक्त हमारा साथ दे जाए। चोरी पकड़ ली, कोई कितना भी छुपाए लेकिन दिल की बात चेहरा बता ही देता है। लगता है कुछ लोग दिल की बात जुबान पर लाते हुए डरते हैं, लेकिन डरने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? देखो तुम भी समझ गए, लेकिन जिन्हें समझना चाहिए था वो खामोश बैठे हैं। क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? हम आपसे क्यों कहेंगे, हम तो अपने बच्चे से बात कर रहे हैं। हमें खूब पता आप किससे क्या कह रही हैं। हमें ये बात पसंद नहीं है। इंसान को जो बात जिससे कहनी है उसी से कहनी चाहिए। अरे वाह, आपको तो पता है। इसका मतलब हम बिला वजह ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। आप कौन होती है हमें समझाने वाली? हमें पता है माशाल्लाह आप बहुत समझदार हैं, लेकिन हम तो बस जरा सी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हमें कोई मदद की जरूरत नहीं है, हमें पता है क्या करना और क्या नहीं। फिर भी नहीं करते? बस हम तो इतना जानते हैं कि दिल के मामले में देरी या हिचकिचाहट से काम नहीं बनता। पल भर की देरी जिंदगी भर का रोना बन सकती है। आप कौन होती है हमें सलाह देने वाली? देखिए, यहाँ मसला हमारे रिश्तों का नहीं दिल की उलझन का है, इसलिए इसे जितनी जल्दी सुलझा दिया जाए उतना ही अच्छा है। वरना आजकल की लड़कियां तो किसी के इंतजार में आहें भरने से बेहतर किसी और का हाथ थामना ज्यादा पसंद करती है। लेकिन वो ऐसे नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक दूसरे को इतना बेहतर समझते हैं फिर बात करने से हिचक क्यों? मुझे नहीं करनी है उससे बात। अगला फोन काट दे और हम उससे बात करें। रूठना मनाना तो मोहब्बत की निशानी ही होती है। अरे आप फिर हमसे बात करने लगी? इंसान तो इंसान से ही बात करेगा ना, और हम दीवारों से बात करने से रहे। हो सकता है बात से बात निकले और आपकी परेशानी दूर हो जाए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप मेरे पीछे क्यों पड़ी है। आपके पास कोई काम नहीं है क्या? कोई हमें अपना समझे या गैर, लेकिन हमें जो लगता है वो हम कहकर ही रहेंगे। और हमें ये लगता है कि इंसान को जिससे जो लगता है वो खुलकर कह देना चाहिए, वरना बात सीने पर पत्थर की तरह पड़ी रहती है। कैसे शख्स हो, दिल की लगे कहने से डरते हो? चलो फोन उठाओ, नंबर डायल करो और सीधी बात करो। कैसे कहूँ, कोई बात नहीं करना चाहे तो कैसे हो सकती है बात? बात तो करने से ही होती है। उसने फिर फोन काट दिया तो? मायूसी कुफ्र है। चलो फोन उठाओ, नंबर डायल करो और अंजाम की परवाह किए बगैर खुलकर बात कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही ना कि वो इनकार कर देगी तो फिर कोशिश करना, फिर इनकार किया तो फिर कोशिश करना,
और मुझे पूरा यकीन है कि जीत आपकी ही होगी। और वैसे भी बार बार दस्तक देने से तो ऊपर वाला भी अपना दरवाजा खोल देता है। ऑल द बेस्ट। हेलो, अरे कट गया। हेलो, कमाल है, फिर कट गया। आज सुबह से ब्लैंक कॉल आ रहे हैं। क्या बात है, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? आपा, पहली बार हमारे घर में ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं। हाँ, तो इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? बात मुस्कुराने की भी और सोचने की भी कि आखिर हमारे घर में ब्लैंक कॉल्स क्यों कर रहा है कोई और किसके लिए कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? डेफिनेटली अम्मी और अब्बू के लिए तो कोई करेगा नहीं। यू आर टू मच। शर्माने की क्या बात है आपा? Obviously, ऐसे फोन कोई हमारे लिए तो कर रहा होगा। हाँ, ब्लैंक कॉल्स की तो काफी समझ है तुम्हें। जाओ जाके उठाओ और पता करो ये ब्लैंक कॉल किसके लिए आया है। आपा, आप बड़े हैं, अगर ये कॉल आपके लिए हुआ तो बेअदबी होगी। तुम सिर्फ बकवास करती हो। हेलो रिता। हेलो, जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, कुछ बोलिए। हेलो, नहीं बोलना है तो मत बोलो। कौन था? मुझे नहीं पता, अगर वो बोलता तो बता देती। आपा, ये फोन आप ही के लिए था। क्या बेकार की बात कर रही हो? क्योंकि जब अम्मी फोन उठाती हैं तो फोन काट दिया जाता है, लेकिन जब आप फोन उठाती हैं तो खामोशी से रहकर आपकी आवाज सुनी जाती है। कुछ तो है आपा। तुम्हारा दिमाग खराब है, सारा वक्त बेकार की बातें करती, पता नहीं समझ कब आएगी। समझने की तो कोशिश कर रही हूँ आपा। चाचू, चाचू, चाचू। क्या बात। मेरे साथिया, मेरे हमसफर, मेरे पास आ, मुझे प्यार कर। चाचू, आज तो आपका अंदाज़े बयां कुछ और ही है। वैसे ये कौन है ये हमसफर जिसको पास आकर प्यार करने के लिए कहा जा रहा है? देखो हरीश भैया, बड़ों से बेतकल्लुफी और जरूरत से ज्यादा शोफी, बदतमीजी हो ना हो, बेअदबी जरूर होती है। बेअदबी? जी चाचू, इतने दिनों के इंतजार के बाद अगर मैं अपनी चाची का नाम जानने के लिए बेकरार हूँ इस खुशी के मारे, ताकि उन तक आपका सलाम पहुँचाऊं और लंबी उम्र की दुआएं मांगूं, तो क्या ये बेअदबी है? तो आप हमसे मजाक कर रहे हैं? देखो भैया, हमने तुम्हें बचपन में नंगा खिलाया है और इन हाथों के जलवों से भी आप बखूबी वाकिफ होंगे। गाल हाजिर है।
हाँ।